अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राइज एंड शाइन। उम्मीद है कि आप लोग सेफ और हेल्दी होंगे। ख्याल रखिए अपना भी, अपने घर वालों को भी खुश रहिए। माशाल्लाह आज पहला रोज़ा था, मुकम्मल हो गया। कल दूसरे रोज़े की तैयारी है। मैं इंशाल्लाह फ्राइडे और संडे को अपना किचन का व्लॉग दूंगी, जिसमें रमज़ान की रेसिपीज़ होंगी। ये कुछ शॉपिंग मैंने की रमज़ान के हवाले से, वो आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की है, वो देखिए ज़रूर। आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग ले सकते हैं। मैं कार्ड का नंबर और मार्केट शो कर रही हूँ। सेल लगी हुई है, बहुत रीज़नेबल रेट पर चीज़ें हैं। ये देखिए आप सारी वीडियो, मैं प्राइस भी बता रही हूँ और शॉप का नेम भी, कार्ड भी मैं इसमें सेंड कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये शॉपिंग मैंने रमज़ान से पहले की थी, 2-3 दिन पहले, लेकिन टाइम नहीं मिल सका, घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इस वजह से फिर मैंने आज उसकी वीडियो, उसकी वॉइस ओवर किया, एडिटिंग करके आप लोगों को सेंड हो रही है। गोल मार्केट नाज़माबाद में एक बहुत मशहूर मार्केट है, गोल मार्केट। वो मार्केट में सेल लगी हुई है, क्रॉकरी में, प्लास्टिक के बर्तनों में, जार्स में, तो वहाँ से मैंने कुछ ये चीज़ें परचेज़ की है, मुझे लेना था, तो इस वजह से घर में किचन वगैरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इस वजह से मैंने ली नहीं थी, तो वो मैंने अब रमज़ान से 2-3 दिन पहले ली। ठीक है, रमज़ान में तो अमूमन घरों में नए क्रॉकरी वगैरह यूज़ की जाती है, और वो कंस्ट्रक्शन की वजह से मैंने इतना सामान लिया नहीं था। मैंने कहा मैं बाद में इत्मीनान से लूँगी, तो वो लेते लेते रमज़ान आ गए। ये 250 का है, ये भी 250 का है, रेड स्पून सिलिकॉन का है। नाइफ ये मुझे 150 की मिली है सेल में। ब्रश ये ऑयल ब्रश है 150 का। फ्राई जो छन्ना है वो मुझे 250 का मिला है। बीटर मुझे 150 का, और प्योर स्टील का और अच्छी क्वालिटी का है। ये जार मुझे 50 रुपीज़ का है। क्योंकि मैंने ये 3 जार लिए थे 100 रुपीज़ में सेल में, 2 एक जैसे थे और एक छोटा साइज जो आपने देखा। डोई 100 रुपीज़ की है। स्पून का सेट मुझे मिला है 200 का, स्पून और फॉक। और 6 इसमें हैं, ठीक है, 6 टेबल स्पून है, 6 टी स्पून है और 6 फॉक्स हैं, तो ये तीनों चीज़ें मुझे 200 की मिली है। ये बास्केट मैंने ली थी एक नाइफ रखने के लिए, ये मुझे 80 रुपीज़ की मिली है। ये 600 का है बड़ा बाउल, स्टील का जो बड़ा बाउल है वो 600 का है। ये 180 का है ब्लू बाउल। ये स्टील का बड़ा बाउल है, ये 600 का मुझे मिला है। और एक मैंने छोटा लिया है बेसन वगैरह के लिए, तो वो मुझे 300 का मिला है। कुछ मैंने नॉन स्टिक्स की क्रॉकरी भी ली है, उसमें 4 पीस हैं, कढ़ाई है, पैन है, फ्राई पैन है और एक पॉट है। ठीक है, सोनेक्स कंपनी का है।
जी, और ये मैंने खुद क्या कहूँ मैं आपको, मतलब मैंने पूरा सेट नहीं लिया, जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ मैंने सोनेक्स कंपनी से लिया, क्योंकि जो बॉक्स बने होते हैं वो मुझे इतने सही नहीं लगे क्वालिटी में, तो मैंने इसलिए इस तरह सोनेक्स की डिफरेंट चीज़ें ली जो मुझे तकरीबन 5000 के करीब आ गई थी। ये फ्राई पैन है सोनेक्स का, क्योंकि इसमें इंचेस वगैरह का सब था तो ये 28 इंच का है। इसका आप बैग भी देख लें कि इसमें सोनेक्स का टैग वगैरह लगा है, बिल्कुल प्योर है, कोई कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। ठीक, ये तवा है 30 इंच का, अभी मैंने ये क्रॉकरी यूज़ नहीं की कि कंस्ट्रक्शन हो जाए उसके बाद मैं सारे क्रॉकरी निकालूंगी न्यू। नॉन स्टिक पैन पे ज़रा इजी रहता है तवे पे रोटी बनाना और पराठे वगैरह, तो इसलिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिए, मेरे पास थे लेकिन वो बहुत ख़राब हो रहे थे। ये कढ़ाई है, लेड के साथ है, मिरर का लेड है इसमें। ठीक है, ये इसका बॉक्स है, और मैंने थोड़ी सी डीप ली है और थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा लिया है, तो इस वजह से इसमें स्मॉल साइज़ भी था, मीडियम भी था, इंचेस पे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप 28 इंचेस का लें, 30 इंच का लें, 26 इंच का भी था। ये एक पॉट है, इन्होंने ये एज़ अ गिफ्ट भी दिया है कि आप कैरी करने के लिए, आप इसके ज़रिए आप कैरी कर लें तो आपके फिंगर सेफ रहेंगी। वैसे ये दराज वग़ैरह में भी ये मौजूद है, ये आप देखें, कुछ बॉक्सेस वग़ैरह मैंने लिए थे शामी कबाब वग़ैरह के लिए, और फ्रिज में चीज़ें कैरी करने में इजी रहता है क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और मैं बाउल्स वग़ैरह ये वो इतने यूज़ नहीं करती फ्रिज में, कि हर चीज़ मैं बॉक्सेस में बना देती हूँ, यूज़ किया और बॉक्स अंदर रख दिया, तो इस वजह से आपको क्रॉकरी चीज़ें ज़्यादा लग रही होंगी और आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतने सारे बॉक्सेस क्यों लिए हैं। वो शामी कबाब का, छोले वग़ैरह मैं बॉयल करके रखती हूँ हर 10 डेज़ के बाद, तो उसके पैकेट्स बना के रखते में मुझे आसानी होती है, और सीख कबाब वग़ैरह बनते हैं रमज़ान में, तो उस वजह से फिर मैंने ये सारी चीज़ें ले ली थी कि इजी रहेगा, क्योंकि जॉब भी है, फिर मेरा कोचिंग सेंटर भी है, तो इस वजह से मुझे बहुत मैनेज करने में वो होता है, तो मैं इजीली सारा काम पहले से करके रखती हूँ। ये वाटर बॉटल है फ्रिज की, मैंने 5 पैकेट लिए थे और हर पैकेट में 2 हैं, और ये सेल लगी हुई है 150 की, 150 का एक पैक है, 120 का भी है, तो मुझे इसका क्वालिटी और मटेरियल मुझे 150 वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने लिया, 120 में भी है। ठीक है, ये वाइट कलर के बॉक्सेस मैंने शामी कबाब और सीख कबाब और छोले के पैकेट्स बॉईल करके रखने के लिए लिए हैं, 3 हैं ये, सेम साइज़ हैं। ये रेड जो हैं ये 5 हैं, 3 जो हैं बिल्कुल, 3 जो हैं वो सेम साइज़ हैं, 2 जो हैं वो सेम साइज़ हैं। इसमें मैं डेट्स वग़ैरह
और ये सारी चीज़ें रखती हूँ, फ्रूट्स वगैरह काट के रखती हूँ। ये क्वार्टर प्लेट्स ली थी मैंने 420 की, 6 हैं इफ्तारी के लिए। उम्मीद है कि मेरी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।